भारत पाकिस्तान एक अच्छे दोस्त तो नहीं, हाँ एक अच्छे दुश्मन जरूर हैं, जो समय समय पर पाकिस्तान अपनी निजता को दर्शाता रहता है, कभी कश्मीर तो कभी पंजाब तो कभी गुजरात। खैर, दुश्मन जब घर पर ही हो तो क्या कहना। सिद्धू और इमरान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। बाजवा का सिद्धू से गले मिलना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मोदी की सुरक्षा में जो कुछ हुआ इससे हर भारतीय के मन में कांग्रेस पार्टी को लेकर आक्रोश है। अब जांच जारी है और इसी कड़ी में अब एक नया मामला सामने आया है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर सतलुज नदी में एक पाकिस्तानी नाव ममदोट क्षेत्र से मिली है। इस नाव पर कौन भारतीय क्षेत्र में घुसे, इस संबंध में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि पंजाब से सटी भारत पाकिस्तान सरहद के साथ सतलुज नदी बहती है। कई स्थानों पर एक दूसरे की सीमा पर यह नदी प्रवेश करती है। बीएसएफ को यह नाव ममदोट के पास बीपीओ डीटी मल के नजदीक मिली है। इससे पहले भी कई बार पाक नाव भारतीय इलाके में मिल चुकी है। इन दिनों सरहद पर घनी धुंध रहती है। इस आड़ में सरहद पर दोनों देशों के तस्कर सक्रिय हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए तस्कर आसानी से हीरोइन और हथियारों की तस्करी करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के मोगा से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी की गुप्त मीटिंग, फिर पुलिस, डीजीपी, मुख्यमंत्री चन्नी, जिला कलेक्टर का प्रधानमंत्री के काफिले में ना होना, फिर कांग्रेस नेताओं के बयान, ये सब कोई सहयोग नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है जिसको समय रहते टाल दिया गया। नाव के मिलने से बीएसएफ अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि नाव से कुछ बरामद नहीं हुआ, लेकिन जहां से नाव मिली है वहां के आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के गांव के लोगों से बीएसएफ पूछताछ कर रही है। स्थानीय पुलिस भी इस संबंध में जांच कर रही है। ममदोट क्षेत्र में बहुत से तस्कर सक्रिय हैं। यहां से असलहा और हीरोइन की कई खेपें पकड़ी जा चुकी हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से ये ओछी हरकत सामने आई हो। इससे पहले भी पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण रवैये से भारत को डराने की कोशिश करता रहा है। बता दें कि मुंबई ब्लास्ट में आतंकवादियों का एक समूह समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश करने में सफल रहा था। अब यह सवाल उठता है कि क्या मोदी जी की फिरोजपुर रैली के बारे में पाकिस्तान को पहले से ही सूचना थी। बुधवार 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फिरोजपुर जिले में फंस गया था। पाकिस्तान से सीमा लगने की वजह से फिरोजपुर बेहद संवेदनशील इलाका है। प्रधानमंत्री का काफिला बुधवार को तकरीबन 15 से 20 मिनट बेहद असुरक्षित एरिया में रुका रहा। जिस इलाके में मोदी के काफिला रुका था वह आतंकियों के अलावा हीरोइन तस्करों का भी गढ़ माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।